नमस्कार, चौथा स्तंभ यूपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि स्कूल जो है वो पिछले 2 साल से बंद थे और कोरोना के कारण आज जो इंटरमीडिएट है और हाई स्कूल है उन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का चल रहा है। और साथ ही साथ 2 साल से बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लास बंद था, तो उनका क्लास भी पढ़ाई उतना अच्छे से हुआ नहीं, लेकिन आज बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी होता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि नौतरवा इंटर कॉलेज के पास हम खड़े हैं, और अगर महाराजगंज ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 110 सेंटर बनाए गए हैं और करीब करीब 67,000 के करीब जो बच्चे हैं वो पेपर दे रहे हैं। तो हमारे पीछे जो बच्चे हैं हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने के लिए कि इस बार का पेपर जो है वो कैसा रहा और आगे रिजल्ट उनका कैसा हो सकता है। क्या नाम है? लक्ष्मी शर्मा। ये बताओ पेपर कैसा रहा? अच्छा था। स्कूल में बेंच वगैरह की व्यवस्था कैसी थी? अच्छा ही था। क्या लगता है कि 2 साल से स्कूल बंद थे कोरोना के कारण और बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो तैयारी आप लोगों की कैसी थी? बहुत अच्छा ही था, पर क्या हो गया, अच्छा ही था। आपका कैसा पेपर रहा? आ जाइए। ये बताइए, 2 साल से कोरोना के कारण जो कॉलेज हैं वो बंद थे, तैयारी तो इस बीच बहुत कम हुई होगी, पेपर कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा पेपर, भले स्कूल बंद रहा फिर भी बहुत अच्छा। तो कैसे आप लोग तैयारी कैसे की? सर हम लोग ट्यूशन से मॉडल पेपर से हम लोग कर रहे हैं। पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दे रही हैं? हाँ सर पहली बार। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर भी होता है बोर्ड एग्जाम को लेकर, बोर्ड एग्जाम है। पहला पेपर कौन सा था? सर हिंदी था। बढ़िया गया? बहुत अच्छा गया। क्या नाम होगा? क्या सर? क्या नाम है आपका? शिफा खातून। ये बताइए शिफा जी, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। स्कूल में जो बेंच वगैरह है कैसा व्यवस्था था? बढ़िया था? अच्छा है, सब अच्छा है। कोरोना के कारण स्कूल वगैरह बंद थे, तो तैयारी कैसी रही इस बार? अच्छी गई हम लोग की तैयारी सर। नहीं सर ठीक है। इस बार का पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था। रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा आएगा। कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, तो कहीं ना कहीं तैयारी नहीं हो पाई थी आप लोगों की, तो डर भी रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम है कैसे लिखेंगे। तो फिर जाते थे कोचिंग पे, जाते हैं घर पढ़ते थे। मतलब ऑनलाइन पढ़ाई हुई आप? हाँ हुई। व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बच्चे बहुत प्रसन्न थे और बहुत ही अच्छे से प्रश्न पत्र हल किया और पूछा गया जो प्रॉब्लम थी बच्चों की, कहे सब बढ़िया है, पेपर अच्छा है। अच्छा, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि तैयारी टाइम से नहीं हो पाई, तो उसको लेकर क्या बच्चों को? बिल्कुल प्रेशर था, प्रेशर तो बहुत था, लेकिन बच्चों को मार्गदर्शन किया गया, ऑनलाइन जो क्लासेस चली थी उसके माध्यम से किया गया और बाकी जो ऑफलाइन जो व्यवस्था हम पर्सनली हम लोग बच्चों को हेल्प की। किस प्रकार से आपके बच्चों की तैयारी रही होगी या क्या आप लोगों ने अपने बच्चों को सुझाव दिया कि पेपर देने के लिए, क्योंकि 2 साल तो कोरोना के कारण बंद रहा, पढ़ाई उतनी हुई नहीं? बच्चे कोचिंग किए हैं, करने के बाद में अपना परीक्षा में आज बैठे हुए हैं और ज़्यादा बेहतर बच्चे ही जानेंगे, और उसके अलावा हम क्या बता सकते हैं। नहीं, एक होता है ना कि गार्जियन थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हैं और वो एक डर भी होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में जाना है। तो बच्ची हमारी जो है पहली बार ही बैठी हुई है हाई स्कूल में, तो क्या सुझाव दिया गया? सुझाव तो यही दिया गया, कोशिश ये है कि कामयाबी मिले, अब पढ़ाया लिखाया गया है, पढ़ रही हैं, उसके बाद परीक्षा आने के बाद रिजल्ट आने के बाद ही ना मालूम होगा, हम क्या बताएं। कितनी तैयारी थी? हमारे साथ एक और प्रश्न है। ये बताइए, 2 साल तक तो स्कूल बंद था, क्लास बहुत कम चले और बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कहना ये चाहेंगे सर कि जो भी चला इस तरह, जिस तरह से परीक्षा करवा रहे हैं उस तरह से परीक्षा जो है पढ़ाई भी होना चाहिए, और कोरोना की वजह से बच्चे 3 महीना 4 महीना घर रहे हैं, उससे उनका ब्रेक हुआ है। जिस तरह से मान लीजिए आज बच्चों के साथ जैसा भी हो रहा है, उसी तरह से पढ़ाई भी उनको करवाना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ लिख के कहीं बाहर जाएं और अच्छी अच्छी शिक्षा उनको मिले, हम यही चाहेंगे। पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए बच्चों की? हाँ, बच्चों की पढ़ाई पे होना चाहिए। और ऐसा हुआ कि बीच में आप परीक्षा करवा रहे हैं, ठीक है परीक्षा होना कोई वो नहीं है, लेकिन है उसके हिसाब से, उस हिसाब से उसका तैयारी भी करवाना चाहिए जो स्कूल के माध्यम से है बच्चों को तैयारी। कहीं ना कहीं स्कूल बंद होने से कोरोना काल में बच्चों का नुकसान हुआ है, पढ़ाई पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ। हम चाहेंगे कि जिस हिसाब से बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये तैयारी नहीं हो पाई, विद्यालय बंद चल रहा था, हमारा बच्चा जो हाई स्कूल में पहली बार परीक्षा दे रहा है, काफ़ी जो है हमने भी कुछ जो है उसको सुझाव दिया कि बेटा मेहनत से पढ़ो और अच्छी तैयारी, लेकिन वो भी कर रहा है तैयारी जैसे भी है, हम कहें कि बेटा
हमारी शुभकामना है, अच्छी से परीक्षा दो। दो बच्चे हैं दोनों, एक बार एक हाई स्कूल है और एक इंटरमीडिएट है। तो दो साल से कोरोना के कारण स्कूल बंद रहे हैं जी, बच्चों को आपने क्या सुझाव दिया, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं बच्चे डर जाते हैं। तो इसके लिए हम भाई कोचिंग का सहारा लिए थे, कोचिंग के सहारे बच्चे पढ़े हैं, तैयारी भी बढ़िया किए हैं। हाँ ये है सारा। अब रिजल्ट आने पे पता चलेगा, रिजल्ट आने पे पता चलेगा। ये परिजन हैं बता रहे हैं कि रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, और इन्होंने अपने बच्चों को जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होता है तो उसको मोटिवेट किया गया इनके द्वारा। Thank you.